घाघरा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री सहरांची महापौर आशा लकड़ा ने घाघरा प्रखंड क्षेत्र के जगरा टोली और बुरहू गांव में शनिवार को गरीब असहाय वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के बीच किताब का वितरण किया। इस क्रम में सर्वप्रथम आशा लकड़ा जगरा टोली गांव पहुंची, जहां गरीब असहाय बच्चों के बीच 40 सेट किताब का वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि गांव में सोलर पानी टंकी लगाया गया है, लेकिन यहां पानी नहीं आती है, जिस पर तत्काल आशा लकड़ा ने दूरभाष पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप से बात की और जल्द से जल्द सोलर पानी टंकी की मरम्मत कराने की बात कही। और देख रही थी कि बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं और बहुत उत्साह है, बहुत दिनों 2 साल के बाद स्कूल खुली है और मेरे मन में बहुत एक उत्साह रहा कि ये बच्चे कुछ नया करें। इसके लिए मैंने ऐसे असहाय और गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैंने बुक देने का काम किया है, उसमें घाघरा प्रखंड के बुरहू गांव में और दूसरा जरगा टोली गांव में। तो दोनों गांव में खूब बच्चे 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के सभी बच्चे उपस्थित रहे, उनके परिवार भी उपस्थित थे, पूरा गांव खुश था और पूरे बच्चे भी खुश हैं। कई लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, कई लोग मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग नया कैरिकुलम करना चाह रहे हैं। तो नया अगर बुक मिलता है तो बच्चों में उत्साह होती है और हमने जब बुक दिया तो बच्चों का उत्साह देखने लायक था। मैं पुनः उन बच्चों को हार्दिक शुभकामना और बधाई भी दिया कि आप अपना भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे और नया कुछ करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैंने वहाँ की महिला समिति से भी मिला और महिला समिति से मिलने के बाद महिलाओं ने पानी की बात की तो घाघरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमने बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं जरूर गांव में जा करके देखूंगा ताकि वहाँ पानी लोगों को मिल पाएंगे। और उन्होंने समय दिए हैं कि संडे के बाद किसी भी दिन जा करके वहाँ जनसंपर्क करके पानी देने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।